Hello class 7, this is your lesson 11, Dar Islam to Nairobi by Fort Prefect. तो यहाँ पर जो फोर्ट प्रीफेक्ट है उनके द्वारा लिखा गया है. ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हम करने जा रहे हैं विद बैक एक्सरसाइज एंगेजिंग इंग्लिश के. यस गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं. अगर आपको और वीडियोस मेरी चाहिए हैं एक्सप्लेनेशन एज वेल एज क्वेश्चन आंसर्स की, और ग्रामर एंड राइटिंग सेशन भी ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे. यू हैव टू जस्ट गो टू चैनल एंड चेक द प्लेलिस्ट. एंड यस, फॉर फर्दर डिमांड यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. सो लेट्स बिगिन क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द सेम चैप्टर. The very first question is there. When one is quite alone on the lengthy and the slightly hazardous journey like this, every sensation of a pleasure and fear is enormously intensified. मीन्स अगर कोई भी इतनी लंबी जर्नी पर कोई अकेला होता है और उसको हजार्ड मतलब उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जर्नी में, तो जो अगर वो अकेला होता है तो उसका प्लेजर और उसका फियर दोनों बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. या तो वो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा डर भी लगने लगता है. बहुत ज्यादा मतलब ये सेंस बहुत ज्यादा किया जाती है जब भी कोई पर्सन अकेला जाता है किसी भी प्रॉब्लमफुल जर्नी के ऊपर. तो यहाँ पे इसका आपने एक्सप्लेन करना है. तो वेरी फर्स्ट क्या दिया है, द नरेटर सेट ऑफ फर्स्ट टाइम. जो नरेटर था वो पहली बार जो वो जा रहा था फॉर सोलो जर्नी, अकेले जर्नी पे जा रहा था फ्रॉम दार इस्लाम टू नैरोबी. दार इस्लाम जहां से था इस जगह से वो कहां जा रहा था, नैरोबी जगह पे जा रहा था विच इज कैपिटल ऑफ केन्या. नैरोबी जो है वो कैपिटल है केन्या की, तो वहां वो जा रहा था. एज ही वॉज एलोन, क्योंकि वो अकेला था, सो उसका जो प्लेजर था और फियर था वो भी रीडबल मतलब दुगना हो जाता है. नेक्स्ट है, दैट विल बी 3 शिलिंग्स बोना. एंड दे सेड लाफिंग, उन्होंने कहा कि अरे इसका तो चार्ज वो 3 शिलिंग्स होगा भाई, बॉस बताओ हमें. वो ऐसा करके हंसने लग जाते हैं. तो इसका क्या मतलब था, मिस आपको पता है जब वो जर्नी बिगिन की थी उसने, तो 6 स्ट्रॉन्ग मैन ने उसको बोला था ये सब चीजें, क्योंकि उन्होंने क्या किया था उसके कार को जो है वो राफ्ट पे रख के वहां से क्या किया था उन्होंने उसको क्रॉस करवाया था, क्योंकि रिवर आ गई थी और रिवर के अंदर से कार तो जा ही नहीं सकती. तो इन 6 स्ट्रॉन्ग मैन ने उसकी हेल्प की थी, तो वो यहाँ पर हेल्प करने के बाद उसका थोड़ा मजाक उड़ाने लग जाते हैं. तो 6 स्ट्रॉन्ग मैन स्पोक इट, जो वो 6 स्ट्रॉन्ग मैन थे उन्होंने इसके बारे में बोला. व्हेन द नरेटर क्रॉस द रिवर, जब नरेटर ने रिवर को क्रॉस किया इन कार, कार के अंदर प्लेस्ड ऑन राफ्ट, जो कि राफ्ट के ऊपर रखी गई थी सक्सेसफुली. एंड दे वर लाफिंग बाय सेइंग इट, और वही जब उन्होंने नदी पार करवा दी तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि भाई लाओ हमें जो वो 3 शिलिंग दो हमारी सर्विस के लिए, जबकि वो मजाक कर रहे थे, उनको ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए था. दे आर बेटर ऑफ देन मी, वो मुझसे बहुत ज्यादा सही है. आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा. एंड अ गुड डील वाइजर, और वो बहुत अच्छे भी हैं जो बहुत अच्छे से डील करते हैं हमारे साथ. तो कहने का मतलब क्या है, द नरेटर अप्रिशिएटेड द एनिमल्स, नरेटर जो वो अप्रिशिएट करता है यहाँ पे एनिमल्स को, दैट दे आर बेटर देन हिम, कि वो उससे बहुत सही है. एज दे आर लीडिंग अ लाइफ ऑफ कंटेंटमेंट, क्योंकि वो यहाँ पर बड़ी शांति से बड़ी सेटिस्फैक्ट्री लाइफ यहाँ पर रहते हैं. कौन रहते हैं, एनिमल्स. दो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अब बी पार्ट का जाता है आपका. व्हाट वाज द मैग्निफिसेंट जेस्चर, इन जेस्चर का मतलब क्या होता है, जो कि शेल कंपनी के लोग यहाँ पर करते हैं. इसका मतलब होता है जेनरस जेस्चर, मतलब बहुत अच्छे हाव भाव दिखाना, बहुत अच्छे हाव दिखाना, अपने भाव दिखाना, मीन्स अच्छे से अपने चीजों को जो है वो बॉडी लैंग्वेज दिखाना. सो दे टोल्ड दैट दे वुड पे, अब उन्होंने ऐसा क्या जेनरस जेस्चर दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं अगर तुम यहाँ से हमारी यहाँ कंपनी से जॉब छोड़ के और तुम वॉर के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते तो आप जाओ, और हम क्या करेंगे, दे वुड पे कंटिन्यू हिज सैलरी. उन्होंने क्या कहा कि वो उसकी सैलरी कंटिन्यू उसको देते रहेंगे, उसके बैंक में डलवाते रहेंगे. व्हेनेवर ही माइट हैपन टू बी इन द वर्ल्ड, जब भी वो जहां कहीं भी होगा वर्ल्ड में वो उसको उसकी सैलरी मिलती रहेगी. मीन्स सैलरी के पॉइंट से उन्होंने बोला था कि हम आपकी सैलरी जो वो देते रहेंगे, तो यही उसका जेनरस जेस्चर था.
नेक्स्ट है डिस्क्राइब द नरेटर्स एनकाउंटर. अब जिराफ का जो आमना सामना उसके साथ होता है नरेटर के साथ, तो आपने उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. एंड व्हाई डिड ही कॉल देम टेम, और उसने उनको टेम क्यों बोला यहाँ पर. सो ही फेल्ट ग्लैड टू सी, जिराफ को देखकर ही तो नरेटर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है. एंड ही कॉल्ड देम, और वो उनको टेम बोलता है. टेम इज क्या होता है कि नॉट डेंजरस, जो ज्यादा डेंजरस नहीं होते. देखो जिराफ से हमें कोई डरने की जरूरत नहीं होती, एलिफेंट से डरने की जरूरत नहीं होती. तो ये दोनों ही क्रिएचर ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा पीस हमें एहसास कराते, बहुत ज्यादा शांति का संदेश देते हैं. तो यहाँ पर जो वो डेंजरस नहीं थे, एज दे लिव्ड इन द ग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप में रहते थे, तीन चार के ग्रुप में यहाँ पर रहते थे, ठीक है, विद देयर बेबीज, अपने बच्चों के साथ. थर्ड है डिस्क्राइब द कोबरा. अब आपको उस कोबरा को डिस्क्राइब करना है भाई, जो नरेटर को उसके रस्ते में मिला था, और यहाँ पर नरेटर ने क्या रिएक्ट किया. आपको पता है जब कोबरा मिला, ग्रीनिच ब्राउन, इसका क्या कलर था, ग्रीनिच ब्राउन था, 7-8 feet वो लंबा था, मूविंग स्लोली, वो धीरे धीरे चल रहा था, 30 yards उससे दूर था, किससे, कार से. और जो नरेटर था ना वो बहुत ज्यादा डर गया था. एंड बैक द कार इन रिवर्स डायरेक्शन, और बिल्कुल उल्टी दिशा में कार को चलाने लगा. कहते ना कि बैक गियर करना, बिल्कुल पीछे उल्टी कार वो चलाने लग जाता है. किसको देख करके, इस कोबरा को देख के. तो हमें यहाँ पर इस बात पे हंसी भी आती है. How does the narrator describe the elephant family? अब यहाँ पर जो narrator है वो कैसे explain करता है elephant family को, जिसको कि वो देखता है यहाँ पे, कैसे explain करता है. The elephants have a great sense of peace. मतलब उनको देख के उसको बहुत ज्यादा peace, calm और शांति का संदेश मिलता है. Slow moving, बड़ी slow slow वो चलते हैं. स्किन हंग लूज, उनकी जो स्किन है वो काफी लूज भी होती है. देयर बॉडीज, उनकी बॉडीज के ऊपर, ओके. और ये वेजिटेरियंस होते हैं, ये कभी भी शिकार नहीं करते दूसरे एनिमल्स का अपने फूड के लिए. एंड जेंटल बीस्ट, मतलब बहुत ही सभ्य होते, बहुत ही जेंटल, ये बहुत ही गुड और नोबल काइंड के ये एनिमल्स होते हैं. फिफ्थ में, हाउ डिड द ओल्ड मैन एट द फ्रंट. तो जो ओल्ड मैन होता है, जो फ्रंटर होते हैं, ट्रीट द नरेटर, नरेटर को कैसे जो है वो ट्रीट करते हैं, नरेटर को कैसे ट्रीट करते हैं, ये जो है वो बिहेव्ड फ्रेंडली, उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करते हैं. एंड गेव अ कप ऑफ टी, उसको जो है वो चाय भी देते हैं, लेकिन चाय के अंदर वो कहते हैं कि शुगर की हमसे होप मत करना, क्योंकि मैंने शुगर इसमें नहीं डाली है, किसी ने नहीं डाली है. वही फ्रंटर यहाँ पर इसको बोलते हैं जो कि फ्रेंडली बिहेव कर रहे होते हैं. नेक्स्ट है ही डिडंट चेक पासपोर्ट, और ये जो लोग होते हैं वो इसका नरेटर का पासपोर्ट भी चेक नहीं करते. क्यों नहीं करते, क्योंकि उसको देखने के लिए उसको स्पेक्टिकल की जरूरत थी, और स्पेक्टिकल उसके पास नहीं था उस आदमी के पास. What did the narrator do after it become dark in the jungle? जंगल में जब अंधेरा हो गया तो narrator ने क्या किया? The narrator stopped the car. Narrator ने कार को रोका and parked it, और उसको एक जगह पे खड़ा किया, just off the road in a scrubby path. मतलब पैच जो यहाँ पर था ना, बिल्कुल साइड में, रोड के बिल्कुल साइड में, और ट्रीज के बिल्कुल पास उसने अपनी गाड़ी को रोक लिया. एंड वेट फॉर द डॉन, और सवेरा होने का इंतजार करने लगा. ही सेट इन द कार, वो कार में ही बैठा रहा. उसने सारे विंडोज जो थे अपने डाउन कर लिए, डाउन में उसने सारी विंडोज को बिल्कुल पूरी तरह से कवर कर लिया, और गाड़ी के अंदर आराम से वो बैठ जाता है. और यहाँ पे वो सैंडविच भी खाता है यहाँ पे, ठीक है. Why did the narrator fear? अब narrator को डर क्यों लगता है? That might not be selected for flying duties. उसको क्यों डर लगता है कि शायद वो flying duties के लिए या फिर aeroplane में जाने के लिए select नहीं होगा? क्यों होता है उसका ऐसा? He was feared. उसको डर लगता है. So as there was a medical examination, क्योंकि उसका medical examination होता है यहाँ पे, medical का उसका checkup किया जाता है एक English doctor के द्वारा. और जो English doctor वो क्या कहता है? Who remarked that 6 feet 6 inches was not an ideal height. और वो यहाँ पर ये कहता है कि 6 feet or 6 inch height होनी चाहिए. लेकिन बाद में वो बोलता है, वो कहता है कि 6 feet or 6 inch height होनी चाहिए जो कि ideal height है, लेकिन उसकी जो height है वो 6 feet 6 inch नहीं होती. तो उसको डाउट होता है कि एरोप्लेन में फ्लायर, मतलब उड़ने के लिए, एरोप्लेन में जाने के लिए जो है वो उसकी हाइट सफिशिएंट नहीं है, तो शायद उसको अलाउड ना करे.
नेक्स्ट क्वेश्चन सी, सी में आपको एग्जांपल्स देने हैं कि नरेटर जो है वो कैसे कंट्रास्ट करता है पीस को एनिमल से, कैसे करता है। देखो आपको बताना कि जो नरेटर है वो कंट्रास्ट करता है पीस को इन एनिमल्स वर्ल्ड। व्हेन ही सॉ हर्ड ऑफ एलिफेंट, जब वो एलिफेंट को देखता है, जिराफ्स को देखता है, तो उसको बहुत शांति महसूस होती है, बहुत अच्छा फील करता है। दे नेवर हंट अदर एनिमल्स, वो ये जो एनिमल्स होते हैं ना दोनों के दोनों, कभी भी दूसरे एनिमल्स को हंट नहीं करते, उनको किल नहीं करते अपना खाना खाने के लिए या फिर अपने खाने के लिए, वो दूसरों को कभी भी नहीं मारते, तो ये बड़े पीसफुल होते हैं। अब आपने ये बताना है कि यहाँ पर वेरियस अफ्रीकन पीपल कौन कौन से जिनसे नरेटर वो मिलता है अपने जर्नी की ड्यूरेशन में, तो किस किस से मिलता है। यहाँ पर फंडर से मिलता है जो कि उसका पासपोर्ट चेक करते हैं, और वो सिक्स मैन से मिलता है जो उसकी हेल्प करते हैं रिवर में से क्रॉस करवाने के लिए, तो इन लोगों से वो रस्ते में मिलता है। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द नरेटर वांटेड टू ज्वाइन द वॉर, आप क्यों सोचते कि नरेटर जो है वो वॉर को ज्वाइन करना चाहता था, क्या रीजन था भाई। वैसे तो वो पीस को प्रेफर करता है, ठीक है, तो फिर वो वॉर को क्यों ज्वाइन करना चाहता था, क्योंकि नरेटर जो था ही वांटेड टू ज्वाइन वॉर सो दैट ही कुड हेल्प इन फाइट, क्योंकि वो फाइट में हेल्प करना चाहता था अपने बॉस हिटलर की, ठीक है। नेक्स्ट है विच पार्ट, अब आपको यहाँ पर वो पार्ट बताने हैं आपके चैप्टर के जिनसे आपको देख करके हंसी आती है। तो पहला तो भाई मुझे देखकर हंसी आते हैं जब राइटर जो वो रिवर को क्रॉस करता है और कार को जो है राफ्ट के ऊपर रख दिया जाता है, उसके बाद सिक्स मैन उसको खींचते हैं, तो बड़ी मजाक वाली बात होती है कि कार जो राफ्ट के ऊपर रखी हुई थी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर जब नरेटर जो है वो अपने स्पेंट हिज नाइट, जब अपनी रात को बाहर जो है ना रोड के ऊपर कार को साइड में लगा करके बैठता है, उसके अंदर सारी विंडोज को क्लोज करता है, और उस बेचारे को उस रात सिर्फ सैंडविच खा करके ही गुजारा करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका थर्ड का इंसिडेंट है कि जब कोबरा को देखता है ना, सबसे भयानक वाला सबसे जो ह्यूमरस है वो कौन सा है, जब वो कोबरा को देखता है कि उसी की तरफ चले हुए आ रहा है, वो 30 yards से उससे दूर था और उसने सोचा कि उसके ऊपर अटैक ना कर दे, तो क्या करता है वो उसको रिवर्स डायरेक्शन में, कार को रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पे चलाने लग जाता है। तो ये 3-4 चीजें हैं जिसे देखकर के हमें चैप्टर को बहुत हंसी आती है। नेक्स्ट आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं जो आपको फिल द ब्लैंक में डालने हैं, जो चिर्पिंग है क्रिकेट्स की, एज द फायर ये सीजल्ड मीन्स बर्न करना, रैटल्ड मीन्स यहाँ पर नॉइस, गर्गलिंग मीन्स भी यहाँ पर होता है कि बबल्स काइंड की कुछ साउंड होना, स्लैम्ड हो गया यहाँ पर और स्क्विग्ड हो गया। तो यहाँ पर जो है वो स्लैम्ड क्या है, मैटिल्डा स्लैम्ड मतलब बहुत जोर से दरवाजा मारना, बहुत जोर से दरवाजे को बंद करना, और ओल्ड स्काउच, ओल्ड काउच मतलब कहते हैं ओल्ड फर्नीचर में से खड़खड़ाने की, स्क्विग्ड में मीन्स खड़खड़ाने की आवाज आती है जब कोई मैन उसके ऊपर बैठता है, और मैटिल्डा जो बहुत जोर से दरवाजा पटक के मारती है। आई वोक अप, अब यहाँ पर जो ये पर्सन है ये जाग जाता है किसके वजह से, गर्गलिंग की वजह से, गर्गलिंग ब्रूक मतलब जो ब्रूक की जो रिवर थी उसमें जो बबलिंग की साउंड बन रही थी ऊपर से गिरने की, उस साउंड की वजह से, और जो विंडो जो थी ओल्ड वुडन कैबिन की वो क्या थी, रैटल्ड मतलब बहुत जोर जोर से वो शोर करती थी जब भी जो है वो विंड जो है वो रात में चलती थी। जैसे होते कि अगर कोई विंडो खुली रह जाती है तो क्या होते हैं, उस हवा की वजह से वो विंडो खड़खड़ाती रहती है पूरी रात। अब यहाँ पे आपको जो ये पजल सॉल्व करना है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है 1-2 लेकर, ये जो 7 है, पहले वाला 7 जो है आपका कौन सा है, द मटेरियल यू गेट फ्रॉम एलिफेंट टस्क, सॉरी 7 था यहाँ पर, यूज टू इम्प्रूव आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए स्पेक्टिकल है यहाँ पे। चलो स्टार्टिंग से बताते हूँ, वेरिएबल क्या होता है, एनोमस होता है, ठीक है, आर्ट्रोनी ट्री क्या होता है, एकेसिया होता है यहाँ पे, अनदर वर्ड फॉर सैंग क्या होता है, चैंटेड होता है, ठीक है। फोर्थ फिर आपका आता है टू स्केयर समवन, किसी को डराना क्या होता है, थ्रेटन करना होता है। फिफ्थ आपका आता है फिर फॉल्स फियर, मतलब झूठ मूठ के आंसू किसको बोलते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स को बोलते हैं, ठीक है। सिक्स आपका है कि किसी मतलब आपको जनरेशन टू जनरेशन कोई चीज मिल रही है तो आप उसको बोलते हैं इनहेरिट, मतलब आपको विरासत में कुछ मिलना। सेवेंथ आपका है कि आईसाइट को इम्प्रूव करने के लिए आप स्पेक्टिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है। सेवेंथ यहाँ पर है और स्मॉल जो होता है, स्मॉल हट जो उसको क्या बोलते हैं, शैक बोलते हैं यहाँ पर, और जो स्मॉल एयरपोर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एरोड्रोम भी बोलते हैं। और जो मटेरियल, जिस मटेरियल से एलिफेंट के कुछ बनता है, एलिफेंट के टीथ से जो बनता है उस मटेरियल को क्या बोलते हैं यहाँ पर, आइवोरी, ठीक है। तो आइवोरी जो होती है एलिफेंट के टीथ से जो है वो कोई ना कोई सामान बनता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप मैच कर लेना कि कैसे फजल यहाँ पे बना है, डाउन या फिर फॉरवर्ड में।
नेक्स्ट आपने क्या करना है यहाँ पर सेंटेंसेस दे में, तो आपने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म जो भी वर्ब फॉर्म दे ना, तो वर्ब फॉर्म के साथ आपने यहाँ पर टू यूज करना और फर्स्ट फॉर्म लगाना। जैसे देखो, वी वर एक्साइटेड व्हेन वी हर्ड ऑफ द पिकनिक, तो यहाँ पर वी वर एक्साइटेड, वी व्हेन वी को काट देंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे टू हियर, हर्ड के जगह हमने क्या लिखा टू हियर। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर बना रखा है, जैसे नील आर्मस्ट्रांग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, टू वॉक आएगा यहाँ पे, और इसमें मैंने लगाया है टू हियर, ठीक है। नेक्स्ट में मैंने लगाया फर्स्ट मैन टू, यहाँ पर फिर से मैंने यहाँ पर जो है वो टू पैराशूट लगा दिया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट आई फाउंड द ये एक्सेलरेटिंग टू एबल टू वॉक, टू एबल टू वॉक यहाँ पे लगा है। नेक्स्ट में सिक्स्थ में आपका क्या लगा है यहाँ पर, मैन टू कम आ गया यहाँ पे, मतलब फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो जाएगी, बाकी सारा सेंटेंस आपका सेम रहेगा। अब जैसे आपका आता है द पुलिस स्टेशन टू अवॉइड आ गया यहाँ पर। एट्थ में फिर मैंने लगाया है टू सी, क्योंकि सौ लगा था मैंने टू सी लगा दिया। नाइन्थ में फिर आपका आ जाता है टू वर्क हार्ड टू पास द टेस्ट, ठीक है। तो ये है आपके सारे वर्ड जो आपने चेंज करने हैं, इनको आपने टू के साथ फर्स्ट फॉर्म को लगाना है। नेक्स्ट आपका आता है आपने जो है वो आई एन जी वर्ड का यूज करना है फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। तो जो भी वर्ब्स आपको दे रखी सबके पीछे आप जस्ट आई एन जी लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है कि ये जो वर्ड्स दिए हैं इन वर्ड्स के मीनिंग लिखो, और मीनिंग लिखने के बाद आपने इसको सेंटेंसेस में बनाना है। तो ऐसे ही मैंने इसको यहाँ पर सेंटेंस में लिख दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे इसका मीनिंग लगा हुआ रेड हियरिंग का लगा रखा है, इसका मीनिंग अ क्लू टू द मिसलीडिंग है, तो द बुक इज अ फास्ट प्लेस एक्साइटिंग एंड फुल ऑफ रेड हियरिंग। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर सबके बना रखे, पहले आप उसका मीनिंग लिखा, पहले वर्ड लिखा है फिर उसका मीनिंग है, उसके बाद सेंटेंस फ्रेम किया हुआ है। तो ऐसे आप यहाँ पे अपनी नोटबुक में एज इट इज लिख सकते हैं। ऐसे जो है फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, ठीक है। तो जैसे गिनी पिग क्या होता है कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसी पर्सन को टेस्ट के लिए यूज करना, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको दे। क्लोथ्स फोर्स क्या होते हैं, फैशनेबल, जो पर्सन जिसको ना फैशनेबल ड्रेसेस अच्छी लगती है वो पर्सन, और जो ब्लैक शिप होता है वो डिसग्रेस का साइन होता है। तो ये था आपका सॉल्यूशन इस चैप्टर का। अदर सॉल्यूशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।